हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी चैनल जीनल राजपूत में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, हम कल दोपहर से ट्रैवलिंग कर रहे थे, एमपी में थे और आज यूपी पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखो सब लोग, वो एक होटल है वहाँ पे खड़ी है बस हमारी, तो हम लोग ब्रश और ये सब चाय नाश्ता के लिए रुके हैं। तो सो गाइस, आज हम यूपी में पहुंच जाएंगे और वहां जाके हम चित्रकूट में घूमेंगे। काढ़ा मिलेगा, गर्म पानी करके, हाँ, चाय डाल के, काली चाय। सो गाइस, हम लोग तो अभी पहुंच गए चित्रकूट। सुबह 8 बजे चाय पीने रुके थे, फिर उसके बाद 2-3 जगह पे रुके, पर कहीं भी मजा नहीं आया खाना बनाने का। तो अभी यहाँ पे रुके चित्रकूट में और सब लोग नहाने गए हैं, तो मैं यहाँ पे लेटी हूँ, आप देख सकते हो। और सब लोग नहा के आएंगे, फिर मैं नहाने जाऊंगी, फ्रेश होंगी, फिर हम चित्रकूट घूमेंगे गाइस। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश होने के फिर मैं आपको मिलती हूँ। दूर तो नहीं जाए। ये हनुमान धारा है, सामने दिख रही है ना वहाँ, हनुमानगढ़। हाँ, हनुमान धारा, हनुमानगढ़। हाँ, चलो बैठो। गाइस, हम लोग रामघाट आए हैं। देखो गाइस, ऐसा दिखता है रामघाट। और यहाँ से पैसे नक्की करके उस सामने किनारे जाना पड़ता है, मतलब इच्छा मर्जी आपका है जाना वही संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन की तिलक करेंगे, राम भरत भेंट है जहाँ पे राम जी का भरत जी का भेंट हुआ था, मिलाप हुआ था। भगवान राम जी के पत्तों की झोपड़ी, यहाँ पे भगवान राम जी ने पत्तों की झोपड़ी बना करके निवास किया था 11.5 साल। मेन रामघाट जहाँ पे भगवान राम जी ने 11.5 साल व्यतीत किया, स्नान किया, नहावा धोवा किया। बनवासी राम मंदिर जब यहाँ पे राम जी आए बनवास काल में, बनवासी देश में, उन्हीं देश में 5-5 फुट की मूर्ति का दर्शन है, 51 फीट का पिंड हनुमान जी का दर्शन बैठा हुआ राम मंदिर, जहाँ पे भगवान राम जी अपने पिता जी का पिंडदान किया, सोने चांदी या धातु का मूर्ति का दर्शन है। ये अयोध्या का मंदिर ये सब कैसे चित्रकूट में है, शिव पार्वती से वाव, ये कितना मस्त है। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा होम करण लागे हम राम भगवान। ये देखो यहाँ पर कितना बढ़िया दिख रहा है, काकीसु जोईले बधु भीमरूप दर्शन, हनुमान जी को मुद्रिका प्रदान, देख सकते हो गाइस। सिया जी की आश्रम में सीताराम की झोपड़ी है, वाव। राम भगवान जयंत दमन, राम भगवान सीता। गाइस, ये जानकी घाट है, आप देख सकते हो ऐसा है। शाम के 6 बजे है अभी और पब्लिक आप देख सकते हो, गंगा है, मंदाकिनी गंगा है ना, शिप्रा से बड़ी। देखो यहाँ से शिप्रा नदी ऐसा दिखता है। देखो गाइस, ऐसा है। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। तो हमारी दूसरी गुड मॉर्निंग हो गई है चित्रकूट में, क्योंकि कल शाम को घूमने गए थे पर थोड़ी 2-3 जगह रह गई थी, क्योंकि बहुत ही रात हो गई थी तो हम नहीं गए थे। फिर आज सुबह निकले हैं, तो अभी आए हैं चित्रकूट में अंसिया देवी के मंदिर। तो वहाँ आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा मंदिर है और कितना बहुत ही अच्छा है, मतलब कि मुझे बहुत पसंद है वहाँ, यहाँ का मंदिर। मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ,
तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए मेरे साथ आप भी देख लेना। मेरे साथ चलिए और महासती अनसुईया का दर्शन करिए। ये आ गए सब, समझा दो, आ गए सब, कुछ सब आ जाने दीजिए। हाँ ओके, तो जानकारी के लिए महाराज ने लाया से था बड़ा ग्रुप में जो जी माहिती है बड़ी माहिती आ सब पूरा ग्रुप आ गया। हाँ ग्रुप आ गया जी। एक चलिए, ये महासती अनसुईया का दर्शन होना है यहाँ पर। अच्छा, वो सतीत्व की परीक्षा लिया गया। जरा जोर से बोलो भैया, आवाज निकालो जैसे। अच्छा, सुनाई नहीं देता, तेज बोलो। तेज बोल नहीं पाता। ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा, यहाँ पर आए थे उनके सतीत्व की परिभाषा लेने के लिए। अच्छा। परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा आप समझ पा रहे हैं। तो वो यहाँ पर ये है स्थान। तो फिर सती अनसुईया ने वो ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दिया था, बच्चे बना दिया था। अच्छा। और फिर उनको पालने में झुला दिया था। वो क्या कह रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, निस्वस्थ होकर के भोजन करवाइए। हाँ, वो यहाँ का सतीत्व है। उम्र पप्पा है पहला अंदर घर में कलेश होता है, हो सकता है कि आपके मिलने वालों में किसी ने जादू टोना कराया हो। ये है गाइस सती अनसुईया देवी का मंदिर यहाँ। चले जाओ आगे बढ़ो, ना दे बोलते हुए एक बार घंटा बजाइए, ओम बोलते हुए एक बार घंटा बजाइए, माता रानी दरबार में जाइए। बच्चों को टीका लगाएंगे, बच्चों का भी टीका लगाएंगे। माता सत्य अनुसुईया माता अरे भाई उठा पिताजी ले लो टीका लगा, खड़े हो जाओ हमारे ये देखो गाइस। आके बाद अपना कहीं लफड़े नहीं रहेगा। अमर माटे एक पण गाठो नहीं रहेवा दी तू, बधू खाई गया तमे लोको। आवडे नहीं यार मेरे को। समझाओ जाओ गाइस, हम लोग आ गए हैं गुप्त गोदावरी। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी है, बहुत मजा आता है उसमें घूमने में मुझे। और दो गुफा है यहाँ पे,
जिसमें एक में पानी है और एक में पानी नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं, गुप्त गोदावरी के दर्शन कराते हैं मैं आपको। नहीं तो लूटे है इसलिए, नहीं तो मैं कौन है लूटे लूटे सके लूटे से एक मारू पकड़ी क्या चीज ले गए मारू भरो घट जिए बता कोई कोई लूटे गाइस हम चप्पल भी निकाल के आए हैं गुप्त गोदावरी पे चौरेंट के गुप्त गोदावरी के पर मम्मी गुप्त गोदावरी में लेकर गुप्त गोदावरी है गुप्त गोदावरी नहीं हाँ 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 नहीं जमा है ई रिक्शा चलो गाइस गाइस हम लोग जा रहे हैं गुप्त गोदावरी अभी ये अंदर जाएंगे देखो पीछे रिक्शा वाले भी आ गए यहाँ पे ऐसा बहुत चलता है इधर ऐसा बहुत चलता है देखो देखो पीछे पीछे पड़े रहते हैं फिर उठते हैं ऐसा सब कुछ बहुत है इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से घूमना चाहिए यहाँ पे। इससे चलिए गाइस अंदर जाके देखते हैं अभी तो पैदल जाना पड़ेगा बहुत दूर है इसलिए ऑटो वाले हमारे पीछे पीछे देखो देखो क्या मैं कोई मैनर्स ही नहीं है उन लोगों में और गुजराती तो देखे नहीं तभी से टूट पड़ते है लूटने के लिए उनको पता चल जाता है ये गुजरात से ही आए इसलिए देखो पीछे तो देखो गाइस मेला लगा है ये देखो ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो लॉपुड़ी खाई गई वो भी नहीं बहुत मजा आता है गाइस चित्रकूट में है सूखी नहीं रहता वो तो चेटला उभी रही है अभी कुछ नहीं चलो अंदर देखते हैं प्रसाद ले ली तो ये जो है फाइ गया बता प्रसाद की थैली भी फेंकती है थैली और पैकेट ऐसी जवान हूँ ये है गाइस गुप्त गोदावरी मम्मी लोगों पीछे छूट गए अभी आने देते हैं ओए रुके अवड़े ना आए फिर माँ मम्मी ने आवा दे हेवड़ी जाते कल बोलना है गुप्त गोदावरी अहिया से ना जो आपने करवा जो गंगा गुप्त गोदावरी पैसा आले
अमुक वस्तु आप चोर अली भगत या तो जो ये देखो गाइस कितनी बड़ी गुफा है। ऐसी तो पप्पाई जवाई इसी जगह बहुत खतरनाक है ये वो ब्लॉग बनानो चाहे देखो जो हाँ बदा है तो छूटी जासो बंदर अली पढ़ो ना जय माँ गुप्त गोदावरी की जय मोबाइल पर से अभी हम आगे नहीं जाएंगे बहुत पानी है सो गाइज हम लोग ना सोच रहे थे कि गुप्त गोदावरी में आगे जाए कि नहीं जाए, बहुत ही डर लग रहा था, पानी हमें घुटनों से ऊपर आने लगा था और हमने आगे देखा भी नहीं था कि आगे कैसा है कैसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा आगे, ये गुफा बहुत बड़ी है या छोटी। तो हम लोगों ने ना एक भैया निकले तो उनसे पूछा कि भैया आगे कैसा है, तो भैया बोले अच्छा है जाओ मज़ा आएगा। तो हम सोचे कि जाए, फिर हम सब ने डिसाइड किया कि जाते कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो हम लोग ना आगे जा ही रहे थे तो उस गली सांकड़ी देखी तो हम लोग ना डर गए कि नहीं जाना है भाई इधर, तो यह श्वास भी नहीं ले पा रहे। सो गाइस हम लोग ना सबसे पहले पूछ ही रहे थे कि जाए कि नहीं जाए अंदर, तो देख सकते हम लोग आधे रास्ते तक गए फिर वापस आ गए क्योंकि मुझे मेरा फ़ोन गिरने का भी बहुत डर लग रहा था। तो ये देख सकते हम लोग वापस आ रहे और काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं और फिर बाहर आ गए और यहाँ पे ये कार्य को ये डंडी वाली देखो पेंसिल पसंद आ गई है बहुत बड़ी तो वो लेने का सोच रहा था, फिर हम लोगों ने नहीं लिया, सोचा आगे चल के लेंगे तो वो मान गया नहीं लिया। फिर हम लोग ना अच्छे से दर्शन करके गुप्त गोदावरी से बाहर आ गए और अभी हम लोग ना जाएंगे बाजार से निकलते हुए। सो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है गुप्त गोदावरी और यहाँ चित्रकूट में तो बहुत ही बढ़िया, आते हो तो यहाँ पे तो ज़रूर जाना। और हम सब लोग ना मस्ती करते करते निकल गए हैं मजाक करते हुए। वक्कू बोल रही थी कि हम लोग ना अब अमरनाथ जाएंगे, तो पापा बोले कैसे जाओगी अमरनाथ है, सब बातचीत कर रहे थे। और फिर हम लोग ना कुछ सोच रहे थे पर्स वर्स खरीदने के लिए, तो पहले पूछ लेते हैं कैसा है प्राइस वाइज सब।
तो देखिए गाइस हम लोग ना बाहर निकल गए, ऐसा है बाहर से कुछ, और देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो बहुत ही अच्छा बाजार है शॉपिंग करने का, प्राइस तो ज़्यादा है, हमने कुछ लिया नहीं, सिर्फ प्राइस पूछा था तो हमें पता चला जो हमारे यहाँ मिलता है उसे 50 रुपये ज़्यादा ही बोल रहा था वो, तो हमने नहीं लिया ये वाले पर्स का, तो हमने नहीं लिया है, बाकी मिलता तो सब बढ़िया है यहाँ पे। और ये जो छाता लटक रहा है ना वो खुलता भी था और बंद भी होता था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, फिर हमें बहुत ही पानीपुरी देखा तो गुजरात की पानीपुरी की याद आ गई, सो हमने सोचा कि यहाँ की टेस्ट करते हैं कैसी लग रही है। तो ये बक्कू और वो दूसरी फ्रेंड सब खा रहे, तो मैंने पूछा कैसी लग रही है, तो वो बोले तुम खुद ही चख लो कैसी है, तो मैंने भी चख लिया, तो पता चला कि बहुत ही घटिया पानीपुरी मिलती है यहाँ पे, हमारे गुजरात जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बक्कू को बहुत इच्छा हो रही थी कि पानीपुरी खाए यहाँ की कैसी लगती है, पर बहुत ही बैड लगती है, कुछ भी अच्छी नहीं थी। और यहाँ से हम लोग फिर निकलने वाले हैं बनारस के लिए, तो ये सब हमारा ख़त्म हो गया चित्रकूट घूमना। और यहाँ पे देखो गाइस बारिश भी शुरू हो गई है, बड़े बड़े छांटे मेरे मुंह पे पड़ रहे, तो लग रही है छांटे। और हम लोग यहीं से अब निकल जाएंगे, सब लोग देखो पीछे आ रहे, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और गाइस तो ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय।